जब से राज किया कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से सौराष्ट्र तक, और आज कांग्रेस अपने कर्मों के कारण में न कश्मीर में है न कन्याकुमारी है, न कामरूप में है न सौराष्ट्र में है, अब कुंगली में कांग्रेस आ गई है। इसलिए इस बात को आज चुनाव हो जाए और यदि पूरा दम उसमें है तो मध्यवर्ती चुनाव करा के देख ले, छत्तीसगढ़ के जनता बता देगी यदि हमने तुमको 15 सीट हमको दिए हैं और तुमको यदि हमने 68 सीट दिया है तो विधानसभा जब लोकसभा का भी चुनाव हुआ उसी 68 सीट देने वाले को जनता ने बता दिया कि जनता का विश्वास उन्होंने खोया। 11 में से 9 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है और इतना ही दम है तो मैं बोल रहा हूँ कि मध्यावधि चुनाव करा ले, ये दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा, ये 68 सीट के बाद करने वाले सिमट करके फिर 12 सीट में आ जाएंगे, करा ले चुनाव। इनको जितना करना था वो करके देख लिए और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। 3/4 बहुमत से हम जीते हैं और 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई है, इससे बड़ा फैसला कुछ नहीं होता। तो ये इधर भक्ति न दे, थोड़ा सा भी यदि कार्रवाई होती जो चावल में चोरी हुई है उसकी जांच करें, उसी समय का है, प्रत्याशी खरीद रहे हैं उसकी जांच हो रही है, और थोड़ा सा भी होता है तो बदलापुर चिल्लाने लगने चीखने लग जाते, सारे लोग एक साथ चिल्लाने लग जाते। ये स्पष्ट करता है छत्तीसगढ़ को ये लोग लूटने का काम करते रहे। वो तो बताए यदि यहाँ का अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, हमने ऋण माफ़ी कैसे किया, 25 रुपये क्विंटल धान कैसे दिया, अब उत्तर प्रदेश में जहाँ 25,000 होमगार्डों को निकाल दिया है उसके बारे में बात करें, हाँ कर सकते हो समय, और ये बताए सांसद जी कि 1,74,000 करोड़ RBI से निकाले हैं वो किसके खाते में जा रहा है, ये बताएं।